हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा मनी प्लांट का पौधा है। देखिए मेरे मनी प्लांट की पत्तियां कितनी बड़ी बड़ी हैं, देखिए सुंदर सुंदर, और उसका शेड कितना प्यारा है, एकदम ग्रीन और हेल्दी। ये देखिए सभी पत्तियां इसकी ज्यादातर बड़ी हैं, और जो थोड़ा सा छोटी भी है ना तो वो मीडियम साइज से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। मीडियम साइज की पत्तियां हैं एकदम इसकी, और आप भी अपने मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां बड़ी कर सकते हैं। और देखिए मेरे, ये मेरा एक मनी प्लांट का पौधा है ये, और इस वाले मनी प्लांट की पत्तियां भी नॉर्मल पत्तियों से बड़ी हैं। देखिए इनकी पत्तियां भी, और कितनी हेल्दी और कितना बुशी पौधा है ये। और मेरी ये है नॉर्मल साइज की पत्तियां, ये जितने भी ये लगे हुए मनी प्लांट ये सब नॉर्मल साइज के हैं। इनकी पत्तियां बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, और ये देखिए मैंने अभी कटिंग से ग्रो किया था ये, इसकी मैंने कटिंग लगाई थी। देखिए इसकी पत्ती भी, अभी पौधा छोटा सा ही है लेकिन इसकी पत्ती भी देखिए कितनी बड़ी बड़ी है, कितनी सुंदर है, कितना हेल्दी पौधा है ये। मनी प्लांट की पत्तियां सभी की बड़ी हो सकती हैं, बस थोड़ा सा उसको देखभाल की जरूरत होती है, और उसमें कुछ लिक्विड खाद वगैरह डालने की, जिससे पत्तियां इसकी बड़े बड़े साइज की हो जाती हैं। और मैं आपको आज बताऊंगी कि आप भी अपने मनी प्लांट के पौधों में ये लिक्विड खाद डालिए, जिससे आपके मनी प्लांट की पत्तियां भी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। मैं अपने इस गमले को घुमा कर दिखाती हूँ, देखिए इसकी ज़्यादातर पत्तियां, ये देखिए इससे बड़ी बड़ी हैं इसकी, और कितना सुंदर, कितना अच्छा इसका कलर है, और कितना बुशी है ये। बहुत ज़्यादा पुराना नहीं मेरा, ये 7-8 महीने पुराना पौधा है ये। मनी प्लांट को बुशी बनाने के लिए देखिए टाइम टाइम इसमें कटिंग करनी पड़ती है, और जिसकी इसकी जो पीली पड़ी पत्तियां हैं जो खराब हो गई है उनको भी, ब्राउन लीव्स को हटाना पड़ता है, और टाइम टाइम कटिंग करते रहिए ताकि पौधा आपका बुशी हो जाएगा। और कटिंग करने से भी ज़रूरी है कि आप अपनी मनी प्लांट की कटिंग किस तरह से लगाते हैं कि वो जल्दी ग्रो करता है और उसकी काफ़ी आपका गमला बुशी हो जाए, ये कहने का मतलब है। और मैं आपको इस वीडियो में मनी प्लांट को कटिंग से कैसे ग्रो करें इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप भी उसी तरीके से मनी प्लांट ग्रो करिए अपना। और देखिए ये सरसों खली है। सरसों खली सभी पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये सरसों खली को मैंने पीस करके पाउडर बना दिया है इसका, तो ये सरसों खली को, ये देखिए ये लगभग 1 लीटर पानी है, और 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच सरसों खली डालिए। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सरसों खली काफ़ी है पौधों के लिए। ये तो शो प्लांट, और शो प्लांट हो, फल के पौधे हो, फूल के पौधे हो, सभी के लिए ये सरसों खली बहुत इफेक्टिव होती है। तो मैं भी अपने मनी प्लांट के पौधों में, बाकी सभी पौधों में कुछ कुछ समय में डालती रहती हूँ सरसों खली को। आप आती है ये जो तेल, सरसों के तेल पुराने की दुकानें होती है ना, वहाँ पर आसानी से मिल जाती है, तो वहाँ से सरसों खली लेकर के आइए। और चाहे तो आप उसको पहले भिगा के रख दीजिए 5-6 घंटे या रात भर, और सुबह डाइल्यूट करके आप डाल दीजिए पौधों में, या फिर आप उसको पीस लीजिए मिक्सी में, पीस के पाउडर बना लीजिए और 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला करके 100 पौधों में डालिए। और देखिए मैंने इसमें मिला लिया है सरसों खली, उसको पीस करके पाउडर बनाया था मैंने और मिला दिया है ये। अब मैं इसको डालूंगी। ये सरसों खली को ये आप अपनी मॉस स्टिक पर मनी प्लांट के इसको ऐसे डालिए धीरे धीरे, ताकि आपकी मॉस स्टिक गीली हो। और मॉस स्टिक में डालने का मतलब ये है कि इसलिए डालना जरूरी है क्योंकि जो मनी प्लांट की जड़ें होती हैं वो मॉस स्टिक से लिपटी होती हैं, तो जो सरसों खली का पोषण है वो सीधे मनी प्लांट की जड़ों को मिलेगा, और पौधा काफी हेल्दी होगा और बुशी होगा और पत्तियां भी बड़ी बड़ी होंगी। देखिए तो इसको मॉस स्टिक को गीला कर दीजिए, और मॉस स्टिक पे डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा गमले में भी डाल दीजिए। थोड़ा सा इसको घुमाती हूँ, यहाँ पे जगह है, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके मैं डाल रही हूँ। गमले में भी थोड़ा डाल दीजिए, आप गमले में डालिए, मॉस स्टिक में डालिए, और सबसे अच्छा तो रहेगा कि आप मॉस स्टिक में डाल दीजिए। मॉस स्टिक से पूरे पौधे की जड़ों को मिल जाएगा, तो वो ज्यादा फायदा करेगी। ये देखिए मैं इस वाले में भी डाल देती हूँ। मेरे इस वाले पौधे के मनी प्लांट की पत्तियां भी देखिए
काफी बड़ी बड़ी हैं और हेल्दी हैं। और इतना लंबा हो गया, देखिए बुशी भी है ये काफी। मेरे सारे ही मनी प्लांट के पौधे देखिए बुशी हैं। मैंने इसमें मॉस स्टिक नहीं लगाई हुई है, तो ये देखिए ये ऐसे ही दिख रहा है, सुंदर है। और इसमें भी मैं मॉस स्टिक लगाऊंगी, देखिए इसकी इतनी लंबी ब्रांच हो गई है। और इस वाले में भी लगा कर रखा है मैंने। और आप भी अपने मनी प्लांट के पौधों को इसी तरह से हेल्दी और बुशी बनाइए और पत्तियों को बड़ा करिए। और सरसों की खली बहुत इफेक्टिव है। और एक चीज़, मैंने मनी प्लांट का वीडियो बनाया था पहले, उसमें थोड़ा सा कुछ मुझसे गलती हो गई थी वीडियो में, तो उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दी हूँ। और थैंक यू जिन लोगों ने बताया कि ये वीडियो में कुछ गलती हो गई है आपसे, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बताया, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी तो मैंने डिलीट कर दिया वीडियो को। और गलती सबसे होती है, बड़ी बात यह है कि आप अपनी गलती को सुधार लीजिए। और मैंने भी सुधार लिया अपनी गलती को, वीडियो डिलीट कर दिया है और अभी वीडियो में दोबारा बनाकर डाल रही हूँ। और मेरे उस वीडियो को भी सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत लोगों ने लाइक किया, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया उसको, और जो गलती हुई मुझे बताया, और उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और इस वीडियो को भी आप लोग उतना ही प्यार दीजिए, क्योंकि ये वीडियो भी सेम है उसी चीज़ के लिए, बस उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसमें कोई गलती नहीं हुई है।